हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हैप्पी कार्ड अप्लाई करवाया था या अप्लाई किया था तो दोस्तों आपके लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन है, जरूरी जानकारी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख तक है उससे कम है उसका हरियाणा सरकार हैप्पी कार्ड बना रही है, यानी अंत्योदय परिवार परिवहन योजना कार्ड बना रही है, जिसके तहत आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को 1000 किलोमीटर बिल्कुल फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों इस कार्ड के तहत आप हरियाणा रोडवेज के बसों में 1000 किलोमीटर एक साल में आप सफर कर सकते हैं। अगले साल फिर से 1000 किलोमीटर मिल जाएगा। सभी सदस्यों का अलग अलग कार्ड मिलेगा, अलग अलग 1000 किलोमीटर उन्हें दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जरूरी जानकारी क्या देनी थी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आपने हैप्पी कार्ड को अप्लाई करवाया था तो आपके पास इस प्रकार का एक मैसेज आएगा एयू बैंक की तरफ से, यानी एयू बैंक आपके पास एक मैसेज सेंड करेगा, जो मैसेज आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यहां पर दोस्तों आपको लिखा हुआ होगा, डियर कस्टमर योर हैप्पी स्कीम एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो कार्ड का रेफरेंस नंबर है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, सिक्वेंस नंबर यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इज रेडी प्लीज कलेक्ट योर कार्ड फ्रॉम डिपो, जिस डिपो से आपको कार्ड कलेक्ट करना है उस डिपो का नाम यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जो डिपो आपने अप्लाई करते वक्त फिल किया था वहां पर जाकर ही आपको अपना कार्ड लेना है। यूज ओटीपी, दोस्तों आपका कार्ड एक्टिव करने के लिए और कार्ड की पिन बनाने के लिए यहां पर जो ओटीपी दिया गया होगा वो ओटीपी यूज किया जाएगा, तभी आपका कार्ड एक्टिव होगा और तभी आपके कार्ड की पिन बनाई जाएगी। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कितने दिन के लिए वैलिड है, 30 दिन के लिए। तो दोस्तों आप एक बार अपने फोन में ये मैसेज जरूर चेक करें कि मैसेज आ गया है या नहीं, हो सकता है आप ध्यान न दें और आपका जो मैसेज है उसकी वैलिडिटी पूरी हो जाए, या फिर दोस्तों आप इंतजार कर रहे हो कि मेरा हैप्पी कार्ड कब बनेगा, कब मिलेगा, मैसेज कब आएगा और आप फोन में मैसेज चेक ही नहीं कर रहे हो, या फिर आपने ध्यान नहीं दिया हो। जरूरी जानकारी यही देनी थी कि जो मैसेज है वो बहुत से परिवारों के पास आ गया है लेकिन वो अपने फोन को चेक नहीं करते हैं। मेरे गाँव के बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना हैप्पी कार्ड अप्लाई किया था लेकिन दोस्तों वो सोच रहे थे कि हमें किस प्रकार का मैसेज आएगा, और जब मैंने उनके फोन में चेक किया उन्हें बताया कि यही मैसेज है और इसी मैसेज ही आपको कार्ड दिया जाएगा। दोस्तों कार्ड लेने जाते वक्त आपको ये मैसेज, अपना आधार कार्ड साथ लेकर जाना है और दोस्तों 50 रुपए प्रति कार्ड आपको लेकर जाने हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी फैमिली आईडी और रेफरेंस नंबर का जो पेज है, यानी जो आपकी रिसिप्ट है, उसे भी साथ लेकर आप जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंडेटरी आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपका ये SMS और 50 रुपए जरूरी हैं। दोस्तों अब आपको अपने डिपो पर जाकर अपना कार्ड ले लेना है अगर आपके पास इस प्रकार का मैसेज आ गया है। दोस्तों सभी सदस्यों का जो मैसेज है वो आ गया होगा, हो सकता है किसी सदस्य का नहीं आया हो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगर आपका मैसेज गलती से कट गया है तो आपको चिंता नहीं करनी है, फिर से आपके पास कुछ दिन में मैसेज भेज दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।